पहल, लेकिन हम आपको बता दें कि उस देर पहले यहाँ पर बस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। ये पुराना बस अड्डा है जहाँ से समरील को बसें मिलती हैं, वहाँ पर यह हादसा घटित हुआ है। और सीधा हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और ये हादसा कैसे घटित हुआ। हम यहाँ पर जो लोग हैं, कुछ लोग एकत्रित हुए हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार ये घटना घटित हुई है। लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि किस प्रकार से ये घटना घटित हुई है और क्या हुआ है। लेकिन जो कहा जा रहा है, जो आशंका जताई जा रही है कि बस की चपेट में आने से व्यक्ति की मृत्यु हुई है, और किस बस की चपेट में आने से मृत्यु हुई है, ये सारा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन यहाँ पर एक बस खड़ी की गई है, अभी कहा नहीं जा सकता कि इस बस की चपेट में आने से मृत्यु हुई है, क्योंकि उस समय तीन चार बसें इकट्ठी यहाँ से गुजर रही थी और वहीं पर राहगीर जो था वो बीच में आ गया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई, मौके पर ही यहाँ पर मृत्यु। और सीधा लाइव तस्वीरें, और यहाँ से हम आप बात करेंगे। भाई हम तो निकल चुके थे, अब हमारे से बात हुआ है, अब इस मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते। क्या हुआ, कुछ पता चला? कुछ नहीं हुआ सर, यहाँ से हम निकले आराम से, 10:30 बजे बस गई, दो बसेस यहाँ पे खड़ी थी, हम अपने निकल गए थे आगे। यहाँ पे हमारी गाड़ी के नीचे कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि अगर हमें पता नहीं लगता, सवारी को लगता, किसी को लगता, इस प्रकार का कोई इंसिडेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। ये शक के भी यहाँ पे हमें यहाँ पे रोका गया है। हमारे पीछे 5 गाड़ियाँ थी, अब किस गाड़ी का है ये पता लग जाएगा फुटेज से, जिसकी भी गलती होगी वो फुटेज में आ जाएगी। ये धर्मपुर का रूट था सर, यहाँ से हम धर्मपुर जा रहे थे, तो 10:30 बजे हम यहाँ से निकले थे। हमारी गाड़ी के साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ इस प्रकार का। ये अभी शक के भी यहाँ पे रखा है, चलो जिसने भी किया होगा वो सामने आ जाएगा। तो आप कह रहे हैं गाड़ियाँ यहाँ पे, दो बसेस लगी थी यहाँ, प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी थी, और यहाँ से हम ऊपर से गए और इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है, तो हम बड़े साइड से गए। इस तरह का कोई आवाज़ नहीं आई, किसी ने अगर देखा भी तो कोई भी फिर मौत कैसे हुई होगी, कुछ तो ये तो पता नहीं भैया, ये तो पीछे वाले जाने, अब हम तो आगे निकल गए थे। उसका भी यही कहना है कि जब हम निकले, मेरे से पीछे जो बस थी उसने भी यही बोला कि उस टाइम हमारे सामने कोई हादसा नहीं हुआ, उसके बाद ये हुआ जैसे हम निकले। सूचना आ रही थी निजी बस ने पूछा, फिर चारटीसी बस की आई। हाँ, तो सूचना तो नहीं है, ये सूचनाएं तरह तरह की सूचनाएं दे रहे लोग अभी, मतलब ये कहा नहीं जा सकता। इसके मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता सर। आप भी बस चला रहे थे उस वक्त? जी। आप कहाँ को जा रहे थे? हम जा रहे थे धर्मपुर। हादसा हुआ नहीं, जब हम निकल चुके थे उसके बाद पीछे से वायरलेस से आई कि ऐसे ऐसे हो गया, पीछे और जो गाड़ियाँ निकली है उनको रोका जा रहा है। कितने बजे का लगभग ये? 10:30-10:35 के बीच का हादसा है। तो देखिए यहाँ पर अभी ये जो कहा जा रहा है कि ये पता नहीं है कि किस कारण व्यक्ति की मृत्यु हुई है, लेकिन 10:30 और 10:35 के बीच का ये मामला है। और यहाँ पर बस को एक रोका भी गया है, HRTC बस को रोका भी गया है, और उस समय यहाँ से जो अभी तक सूचना मिली है कि 3-4 बसें उस समय यहाँ से क्रॉस हो रही थी, गुजर रही थी, और किसकी चपेट में आया है ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन हादसे में एक राहगीर की मौत हुई है, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, और अभी ये कहा नहीं जा सकता, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि किस बस के ये नीचे आया है और किस कारण उसकी मौत हुई है, ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन शक के आधार पर एक बस को रोका गया है, और यहाँ पर जिस प्रकार से अभी इन्हें यहाँ पर बात हुई, हमारी बस के चालकों से भी बात हुई, कि उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ रुकने का कहा गया और बाकी हमारी बस के नीचे वो व्यक्ति नहीं आया है, और ये अब सारा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन यहाँ पर एक घटना घटित हुई है पुराने बस अड्डे के समीप, ये यहाँ से हम आपको बता दें, आप तस्वीरों में खुद अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये जो पुराना बस अड्डा है HRTC MD ऑफिस के नीचे, जहां से समरील को बसें मिलती है, ये वहां का मामला है, और वहां पर ये घटना घटित हुई है। अभी ये कहना मुश्किल है किस कारण ये हादसा घटित हुआ है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आप देख रहे हैं जिस तरह से तस्वीरों में पुलिस भी मौके पर मौजूद है, अब ये सारा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि किस प्रकार उस व्यक्ति की मौत हुई, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि तीन चार बसें उस समय यहाँ से क्रॉस हो रही थी, उस समय ये हादसा घटित हुआ है।